मेष राशि। सप्ताह की शुरुआत में योजना साकार होने को होंगे, शुभ भावनाओं का उदय होगा, सामाजिक सिद्धि का प्रयास सार्थक होगा, समझदारी से लिया गया निर्णय लाभ में सहायक रहेगा, श्रेयजनों की सलाह समय पर काम आएगी, वैवाहिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा, आपसी संबंधों में मधुरता रहेगी, जीवन साथी में सामंजस्य रहेगा, योजना सार्थक होगी, दूर समीप की यात्रा का संयोग बनेगा, सुसमाचार मिलने से खुशी होगी, वाहन से दुर्घटना की आशंका रहेगी। भाग्योदय टिप्स। प्रत्येक मंगलवार के दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ ब्राह्मणों से घर पर कराएं, साथ ही नजदीक के मंदिर में दर्शन पूजन करें। वृषभ राशि। इस सप्ताह ग्रह स्थिति विपरीत रहेगी, व्यापारिक संबंधों में कटुता उपस्थित होगी, क्रोध की अधिकता रहेगी, अकेलेपन की अनुभूति भी होगी, विवाद की आशंका रहेगी, पराक्रम से कार्य व्यवसाय में प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा, समस्या विशेष के समाधान में स्वयं का निर्णय हितकर रहेगा, आत्मीयजनों से आशानुकूल सहयोग मिलेगा, शत्रु हानि पहुँचाने में असफल रहेंगे, गलत फहमियाँ दूर होने से शांति महसूस करेंगे। भाग्योदय टिप्स। शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी जी का दर्शन पूजन करें, शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। मिथुन राशि। इस सप्ताह कार्य व्यवसाय पक्ष में सफलता मिलेगी, शत्रु परास्त होंगे, किसी मुद्दे को लेकर आपसी तनाव कम होगा, धन संचय की ओर रुझान रहेगा, स्वयं की प्रतिभा का सदुपयोग कर सकेंगे, सामाजिक कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी, साझेदारी के व्यापार में हानि की आशंका रहेगी, दूसरों के गलतफहमी के शिकार होंगे, वाहन से चोट लगने की संभावना है, परिस्थितियों में सुधार होगा, परिश्रम के अनुरूप सफलता मिलेगी, व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास होगा। भाग्योदय टिप्स। श्री गणेश जी की पूजा अर्चना करें एवं हरे रंग की वस्तुओं का दान करें। कर्क राशि। सप्ताह के दूसरे दिन 11 बजे तक समस्याओं का समाधान होगा, व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल होंगी, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ने से खुशी होगी, निजी जिंदगी में सुख सुविधा के साधन सुलभ होंगे, यात्रा का संतोषजनक समाधान होगा, भाग्योदय का मार्ग अवरुद्ध होगा, कुछ एक समस्याओं से चिंतित रहेंगे, किसी अप्रिय घटना से मन शांत रहेगा, मित्रों से मनमुटाव होगा, योजना का समापन होगा, मौज मस्ती के निमित्त अधिकतम व्यय होगा। भाग्योदय टिप्स। भगवान शिव जी का दर्शन करें, सोमवार का व्रत सौभाग्यदायक है, चंद्रमा के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। सिंह राशि। सप्ताह के मध्य परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी, आर्थिक पक्ष में सफलता मिलेगी, निजी जिंदगी में सुख के साधन सुलभ होंगे, जनसंपर्क का भरपूर सहयोग मिलेगा, किसी पुराने विवाद का समापन आपके पक्ष में होगा, जन कल्याण की भावना जागृत होगी, नियोजित धन का प्रतिफल आशानुकूल प्राप्त होगा, निराशा का समापन होगा, मनोरंजन की ओर अभिरुचि रहेगी, व्यक्तिगत परेशानी कम होगी, व्यवसाय क्षेत्र में निराशा की स्थिति रहेगी, स्वास्थ्य में व्यतिक्रम रहेगा, मित्रों स्वजनों से मनमुटाव होगा, आपके हितैषी समय पर साथ नहीं देंगे, घरेलू वातावरण शांत रहेगा। भाग्योदय टिप्स। प्रत्येक रविवार के दिन प्रातः काल भगवान भास्कर की पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करें, साथ ही भगवान भास्कर को जल अर्पण करें। कन्या राशि। कन्या राशि। सप्ताह के मध्य में ग्रह योग विपरीत रहेगा, कठिनाइयां यथावत रहेंगी, लाभ में न्यूनता की स्थिति रहेगी, आरोग्य सुख में व्यवधान रहेगा, लाभ का मार्ग अवरुद्ध होगा, प्रेम संबंधों में प्रतिकूलता की स्थिति रहेगी, सामाजिक गतिविधियों की ओर रुझान रहेगा, स्वविवेक से लिया गया निर्णय हितकर रहेगा, शारीरिक मानसिक सुख की अनुभूति होगी, आमोद प्रमोद के साधन सुलभ होंगे, धन संपत्ति का मसला हल होगा, आध्यात्म के प्रति आस्था जगेगी। भाग्योदय टिप्स। श्री विनायक गणेश जी का दर्शन करने से सुख समृद्धि खुशहाली आएगी, साथ ही माला फूल एवं मोदक चढ़ाने से लाभ होगा। तुला राशि। सप्ताह
सप्ताह में शुरुआती 3 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान होगा। अभीष्ट सिद्धि का प्रयास सार्थक होगा। परिजनों मित्रों से विचार विमर्श करेंगे। मानसिक उलझने कम होंगी। धनागम के मार्ग खुलेंगे। कार्यों के प्रति उदासीनता रहेगी। व्यक्ति विशेष से विश्वासघात की आशंका रहेगी। विरोधी हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। किसी से वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी। सतर्कता बरते। समय भाग्य के पक्ष में रहेगा। यात्रा संतोषजनक रहेगी। पुरुषार्थ के प्रति रुचि बढ़ेगी। हर्ष भी होगा। भाग्योदय टिप्स। शुक्रवार के दिन श्री महालक्ष्मी जी का पूजन करें तथा बड़ों का आशीर्वाद लें। शुक्र ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान करें। वृश्चिक राशि। 7 से 10 मार्च तक सभी मनोरथ पूरे होंगे। घरेलू समस्याएं हेतु प्रयास सार्थक होंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता की स्थिति रहेगी। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में कमी आएगी। कर्ज से मुक्ति का प्रयास सार्थक होगा। विचारों का उदय होगा। जनसंपर्क का सुअवसर मिलेगा। आपसी संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। वाहन मिलने से खुशी होगी। स्वास्थ्य में व्यतिक्रम रहेगा। यात्रा में परेशानी उठानी पड़ सकती है। समय अनुकूल रहेगा। व्यक्तित्व का विकास होगा। सुख सुविधा हेतु अधिक खर्च होगा। भाग्योदय टिप्स। माँ दुर्गा का दर्शन पूजन प्रतिदिन करें। साथ ही मंगल ग्रह के मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। धनु राशि। सप्ताह में 8 मार्च की शाम 5 बजे तक समय शुभ रहेगा। कार्यों में सफलता से प्रसन्नता होगी। दाम्पत्य जीवन में सद्भावना बना रहेगा। शारीरिक सुख प्राप्त होगा। निजी जिंदगी में सुख सुविधा के निमित्त सुविधाएं सुलभ होंगे। आय के नवीन स्रोत सामने आएंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योजना पर कार्य आरंभ होगा। परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ समाचार मिलने से खुशी होगी। भाग्योदय टिप्स। श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य प्राप्त होगा। बृहस्पतिवार का व्रत यशमान में वृद्धि करेगा। साथ ही पीली वस्तुओं का दान भी करें। मकर राशि। सप्ताह में 9 मार्च को दिनचर्या अव्यवस्थित रहेगी। आरोग्य सुख में कमी रहेगी। मेल मिलाप में रुचि रहेगी। किसी बात को लेकर मन दुखी रहेगा। आपसी संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लाभ में न्यूनता रहेगी। अकेलेपन की अनुभूति महसूस होगी। अशांति का वातावरण रहेगा। समय अनुकूल रहेगा। किसी योजना का श्री गणेश होगा। कठिनाइयों में कुछ कमी महसूस होगी। व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल होगी। आय के नवीन स्रोत उपस्थित होंगे। यश में वृद्धि होगी। भविष्य के लिए नवीन योजना की रूपरेखा तैयार होगी। कार्य पूर्ण होने को होगा। लाभ भी मिलेगा। भाग्योदय टिप्स। शनिवार के दिन हनुमान जी का दर्शन पूजन करें। काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। कुंभ राशि। सप्ताह में 4 दिन के भीतर आपके लिए सफलता का संयोग बनेगा। व्यवसायिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आत्मिक शांति की अनुभूति होगी। मित्रों परिजनों से अपेक्षित सहयोग मिलेगा। धर्म आध्यात्म के प्रति आस्था रहेगी। गुरुवार को उलझने प्रभावी रहेंगी। कार्यों के प्रति असंतोष रहेगा। आर्थिक स्थिति में व्यवधान उत्पन्न होगा। स्पष्टवादिता घातक सिद्ध होगी। सुख के साधन में कमी महसूस होगी। सामाजिक कार्य की अभिरुचि का प्रयास होगा। भाग्योदय टिप्स। हनुमान जी का दर्शन पूजन करने से मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन गरीबों को भोजन कराएं। मीन राशि। इस सप्ताह भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। नव योजना दृष्टिगत होगी। विवादास्पद मसला हल होगा। हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। राजकीय पक्ष से लाभान्वित होंगे। आपके हितैषी आपका सहयोग करेंगे। आपसे सौहार्द बना रहेगा। शिक्षा एवं प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता का शुभ अवसर मिलेगा। मित्र या स्वजन आश्वासन देकर पीछे हट जाएंगे। विशेष प्रयास के बावजूद भी प्रगति में संशय रहेगा। अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करने से वंचित रह जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप की स्थिति में कमी आएगी। नौकरी में पदोन्नति होगा। मांगलिक आयोजन संपन्न होगा। दर्शनीय स्थलों की यात्रा का प्रसंग उपस्थित होगा। भाग्योदय टिप्स। भगवान विष्णु का पूजन करें तथा घर में तुलसी के पौधे की पूजा करें। विद्यार्थी को पुस्तक स्वरूप प्रदान करें। व्रत त्योहार। 10 मार्च होलास्टक आरंभ। अगले सप्ताह राशियों का हाल लेकर फिर से मिलेंगे। तब तक रखिएगा अपना ख्याल।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।